वो नेता के पावे गिर रहे हैं। जी हाँ, इस तरह से पैर पैर के हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द न्याय दिला दिया जाए। खेल दिवस के दिन एक प्लेयर को लाठी मारने के लिए पुलिस के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, मांग है अविलंब बाहरी प्रक्रिया शुरू करके हम लोग को योगदान कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे लाइव सीरीज। भाजपा कार्यालय के सामने का नजारा देखिए, स्टूडेंट लोग पहुंच चुके हैं भाजपा कार्यालय के सामने। कौन से लोग हैं और क्या चाहते हैं? बिहार राज्य शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य निदेशक के अभ्यर्थी हैं। हम लोग की संख्या 3523 है। दो वर्ष पहले एग्जाम हुआ था, रिजल्ट भी आ गया है। पटना माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा चार बार सरकार को दिया गया समय 6 महीने का अंदर आप बहाली प्रक्रिया को पूरा कीजिए। तो अगर हमारी मांगे नहीं सुनेंगी सरकार तो हमें यही सब कदम तो उठाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमें 2 साल से कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए। हम इसी तरह रोड पे आ रहे हैं और ये हमें ऐसे ही भगा रहे हैं। हमें अपनी बात नहीं, हाँ हमें इतनी अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे। लाठी जेडीयू के पास लाठी चार्ज हुई और अभी आप लोग भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हैं। हाँ, तो लाठी चार्ज ऐसे ही भगाया जा रहा है। हमें कहीं ना शांतिपूर्ण ये करने देते हैं, ना ही नारा ही ये देते हैं। नेताजी पे एससीटी के फिजिकल वाले स्टूडेंट जो जीते में वो गिर रहे हैं, वो भी रोड पे, क्या ये सही है? सर सही तो कुछ नहीं है, लेकिन एससीटी स्टूडेंट नेताजी के पैरों पर गिर रहे हैं, पुलिस से मार खा रहे हैं। नौबत आ गई है सर, क्या करें, हमारे पास पैरों पर गिरने में, जबकि हमारी इज्जत कुछ भी नहीं है। एक फिजिकल टीचर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसी को नहीं रह गए। हमें पैरों तक गिरना पड़ रहा है अपनी नौकरी के लिए। सर यही नौबत हमारे लिए होनी चाहिए, क्या आप बताइए क्या ये सही है कि इस तरह से फिजिकल टीचर? आप पे भी लाठी चार्ज हुई? नहीं, हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुई सर, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया गया है, प्रयास किया गया है, प्रयास किया गया। जी हाँ, हमें हर जगह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने ही नहीं दिया जा रहा, हमारी मांग को रखने ही नहीं दिया जा रहा। हर जगह से आप यहाँ से जाओ, आप यहाँ से जाओ, सर तो हम अपनी मांग रखने जाएंगे कहाँ, ये बताइए। तो पैरों पर गिर गए, लाठी चार्ज हो गया, अब आगे क्या करेंगे? बस अब लास्ट ऑप्शन क्या होता है जिंदगी से, जब इंसान थक हार जाता है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो करता क्या है, आप बताइए। मृत्यु, बस वही ऑप्शन बचा हुआ है। पैरों पर गिर गए एससीटी फिजिकल टीचर लोग जितने भी हैं और लाठी भी खा लिया, अब क्या बाकी रहे? सर अभिच्छा मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। देख लीजिए, लेटर हम लोग ज्ञापन देवे किए हैं इच्छा मृत्यु के लिए। फाइट के अलावा हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। हम लोग एक पास हो, एक फिजिकल टीचर पैरों पे गिरेगा, लाठी खाएगा, क्या करे, मजबूरी है। हमारे राज्य का जो मुखिया है वो कभी परीक्षा देकर के मुख्यमंत्री बना ही नहीं है, और वो क्या जाने के फिजिकल टीचर क्या होता है। हम लोग पढ़ के पास करके आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और ये हमारे राज्य का मुखिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, कभी चुनाव नहीं लड़ा और मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिना पास किए हुए, ये कैसी विडंबना है। उन्हें भी वो कम से कम पास करने विधायक के क्षेत्र में आना चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ते तब तो पता चलता उनका औकात क्या है, हम लोग की नौकरी हो रही है कि नहीं। विधायक चुनाव जब लड़ के आते तब पता चलता सर उनको, कभी चुनाव तो लड़े नहीं है, हर समय तो एमएलसी जीत के आते हैं। अब केवल सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति से हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करने जा रहे हैं, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे, बहुत जल्दी देने वाले हैं, और सभी जो मुख्यमंत्री हैं जो शिक्षा विभाग के सबको अब सुसाइड लेटर देने जा रहे हैं। पुलिस अभी भगा रही है, क्या करेंगे, कहां जाएंगे? सामूहिक सुसाइड, पुलिस आपके पीछे खड़ी है, आप देख रहे हैं। पुलिस लाठी मारे, पुलिस लाठी मारे, हम नहीं जाएंगे, लाठी मारे आपके सामने, कैमरा के सामने देखिए, ये पुलिस महोदय हमको लाठी मारेंगे तब तो नीतीश कुमार देखेगी। नहीं सर, मार लीजिए, आज खेल दिवस है, एक शिक्षक खेल दिवस के दिन लाठी खा लिया, आप क्या बोलिएगा? खेल दिवस के दिन एक प्लेयर को लाठी मारने के लिए पुलिस के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, आज बताइए क्या शर्म की, यानी कि आज काला दिन दिवस मना जाएगा, खेल दिवस नहीं, काला दिवस के दिन फिजिकल टीचर लोग ने मार खाया जिसने पुलिस हम लोग को मारने की कोशिश भी किया, वहां से खदेड़ जदयू कार्यालय, नीतीश कुमार से मिलना भी चाहा, नहीं मिलने दिया। खेल दिवस के दिन आप लोग मार खा रहे हैं? हम लोग काला दिवस मनाएंगे आज, खेल दिवस नहीं मनाएंगे, काला दिवस है, इसीलिए आज हमारा बिहार का हालत यही है, लाठी खा लिए नेता लोग के पैर पे गिर गए। कानूनी जो होता है इनकी दंडीय अपराध है, तो जब आत्मदाह करना अपराध है तो हम लोग एग्जाम लेके भी स्कूल भेजना भी तो अपराध होना चाहिए। चलिए, तो अब आखिरी आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि पांव पे क्यों गिर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, और ये प्रदर्शन जो राष्ट्रीय खेल दिवस के ऊपर हम लोग जो किए हैं पिछले 2 साल से, यही प्रदर्शन हम लोग का चलता रहा, गर्दनी बाग में भी 2 साल में 3-4 बार में, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं तो भी आप लोगों को गिरना ही पड़ रहा है। वी आर नॉट ओनली प्लेयर सर, हम लोग TGT PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी हैं,
हम मैंने खुद इम्पीट कर रखा है, ठीक है। सब लोग पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। हम खुद कुछ कितने बच्चों को ट्रेन करके, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ना हमें घर से किसी तरह का सपोर्ट है, ना सरकार की तरफ से, हम लोग रोड पे इच्छा मृत्यु देने के लायक हो गए। मांग अविलंब बाहरी प्रक्रिया शुरू करके हम लोग को योगदान कराया जाए। शरीरी शिक्षा के किमिट हम लोग को पास नहीं हो रहा, इसी कारण नहीं हो रहा। हम लोग किमिट पास हो गए, हम लोग पीटी निकाल चुके हैं, हम लोग कंपटीशन निकाल पीटी, हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, रिजल्ट कार्ड मिल चुका है, दो साल से नियुक्ति के लिए घूम रहे हैं। फिजिकल टीचर, लेकिन जी एसटीईटी 2019 में क्वालिफाइड है हम लोग। कैबिनेट के आया है, एग्जाम ले लिया गया, प्रवर समिति से अप्रूवल मिल गया। फिजिकल टीचर एसटीईटी के स्टूडेंट जमा हो चुके हैं भाजपा कार्यालय के सामने, नेताजी पे गिर रहे हैं और पुलिस आप लोगों को भगा रही है। शारीरिक शिक्षक हम लोग का बहाली निकाला गया था 2019 में, जो हम लोग दिसंबर के हम एग्जाम दिए, जिसे 8383 सीट था, मात्र 3523 छात्र क्वालिफाई किए हैं। कन्फ्यूजन सरकार पहले कन्फ्यूजन दूर कर ले कि मात्र 3523 विद्यार्थी हैं। हम लोग हर महीना बोलता है कि इस बार कैंडिडेट कर दे रहे हैं, इस बार कैंडिडेट कर रहे हैं, हम लोग दो साल से लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। भाजपा कार्यालय के सामने जुटे हैं और मांग आप लोगों की क्या है और भाजपा कार्यालय के सामने ही क्यों जुटे हैं? सर वहाँ जदयू कार्यालय के पास गए तो वहाँ प्रशासन के द्वारा हम लोग को भगा दिया गया। और जदयू से भगाया गया तो भाजपा कार्यालय के नेताजी को आप पैर पड़ रहे थे, मैंने देखा। जी हाँ, कि इस तरह से पैर पड़ रहे थे, हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिला दिया जाए। तो फिजिकल टीचर एसटीईटी को नेताजी लोग के पैर पे गिरना पड़ रहा है, वो भी रोड पे। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बात को सरकार नहीं मान रही है, इसी कारण ये हो रहा है। दो साल से सरकार ये बहाली को फंसा कर रखी है, अजान करना नहीं चाहती है। सर माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं देश फैलेगा, देश बढ़ेगा, देश सारा चीज करती है, लेकिन हम लोगों का मांग आज तक स्पोर्ट्स में जीरो है बिहार। यहाँ तक किसी हम लोग का स्पोर्ट्स टीचर जो है वो बहाल नहीं हो रही है 12 साल से, और हम लोग बार बार धरना दे रहे हैं, पर लगातार 12 साल से हम लोग का न्यायालय ने भी अनुमति दिया है कि इन लोगों को पुलिस लोग उनको भगाया जा रहा है। देख किस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो भगा रही है स्टूडेंट, देख रहे प्रशासन की, देख रहे हैं ना, हम लोग सब क्या बर्ताव कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, ये बिहार सरकार है, देख लीजिए यहाँ पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, हम लोग साथ बदतमीजी कर रही है पुलिस प्रशासन। ये तानाशाही की सरकार है, देख लीजिए किस तरह से मारा जा रहा है, गेट लगाया जा रहा है, उधर देखिए, उधर हाथ करके देख सकते हैं कि जितने भी आप लोग क्या मांग रखे हैं। हम लोग मांग रखे हैं कि हम लोग का नौकरी मिले, नौकरी ना मिले तो हम लोग का इच्छा मृत्यु का हम लोग का परमिशन दे, देखिए लेटर परमिशन के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए। और नेताजी के पैर पे गिर रहे थे आप लोग, नेताजी तो हम लोग को ताला बंद कर दिए, वो देखवे की है, मिलने कहाँ दी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोगों की नियुक्ति सरकार जल्दी से जल्दी करे, आश्वासन नहीं चाहिए। हम लोग का कैबिनेट पास, कौन सा कैबिनेट है आप लोगों का और क्यों जुट गए? शरीरी शिक्षा के कैबिनेट हम लोग को पास नहीं हो रहा, इसी कारण नहीं हो रहा। हम लोग कैबिनेट पास हो गए, हम लोग पीटी निकाल चुके हैं, हम लोग कंपटीशन निकाल पीटी, हम लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, रिजल्ट कार्ड मिल चुका है, दो साल से नियुक्ति के लिए घूम रहे हैं। फिजिकल टीचर बिहार कहता है कि हमारे यहाँ से कोई ओलंपिक में नहीं गया, कहाँ से जाएगा ओलंपिक में? अगर ऐसा स्थिति रहा तो कभी नहीं जाएगा ओलंपिक खेलने के लिए बिहार। तो आपने देख ही लिया कि जेडीयू से लाठीचार्ज हुई, उसके बाद ये लोग भाजपा कार्यालय के सामने आए और आपने विजुअल में देख ही लिया कि किस तरह से फिजिकल टीचर फिजिकल स्टूडेंट ये लोग हैं एसटीईटी के, और किस तरह से ये लोग नेताजी के पैरों पे बीच सड़क पर गिर गए। ये लोग का कहना है कि बीच सड़क पर लाठीचार्ज हो गई, नेताजी के पैरों पर गिर गए, अब एक ही चीज बचा है, वो है आत्महत्या, बस सुसाइड करना बाकी है ये लोग का। ये लोग ने क्या कुछ कहा आपने सुनी लिया, ये लोग का मुद्दा क्या है वो भी आपने सुनी लिया। ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बस वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।